आपके इंडिया में भी क्रिकेटर्स से आपकी है दोस्ती यारी? बिल्कुल है, काफ़ी प्लेयर्स हैं, जैसे माही भाई हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, मैं उनको माही भाई कहता हूँ। विराट है, मेरा बैचमेट है, उससे भी बहुत अच्छी दोस्ती है। जतेजा है, रायना है, काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं बैठता हूँ। युवराज सिंह है, हाँ बिल्कुल, कि आप ये कह लें कि उनके साथ उठना बैठना है, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। नो डाउट कि वो माशाल्लाह स्टार हैं अपनी कंट्री के, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, कि वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उन्होंने कभी भी मुझे उस तरीके से नहीं मिले, अच्छे तरीके से मिले हैं, भाइयों की तरह मिले हैं। माही भाई ने हमेशा छोटा भाई समझा हुआ है। आप भी क्रिकेट में, आपका भी शुरू से बचपन से आपको पता आपने क्रिकेट खेलनी, क्योंकि कामरान भाई भी क्रिकेट में थे? नहीं, शुरू से तो नहीं पता था, शुरू से मुझे ये पता था कि मैंने पतंगबाजी करनी है, अच्छा, स्नूकर खेलना है, अच्छा, बाइकिंग करनी है। हाँ। तो बस ये कह लेंगे जब 2007 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले मैं एज ए टाइम पास क्लब क्रिकेट खेल रहा था अपनी क्लब में। ओके। तो मैं इतना सीरियस खेलता नहीं था, तो घर में सबसे छोटा था, ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। तो मैं 2007 का वर्ल्ड कप देख रहा था अपने वाले साहब के साथ। तो उस वक्त इंडियन टीम में यूसुफ पठान और इरफान पठान खेल रहे थे। तो वाले साहब ने कहा, काश मेरे दो बेटे टीम में होते तो मेरा भी सर फख्र से बुलंद होता। तो मैंने बस वो दिल में बात बिठाई, तो फिर मैंने कहा यार बस अब ख़त्म, अब यशी ख़त्म, अब करके दिखाना है। अच्छा, अब हम खेलेंगे कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ये आपको मैं क्यू कार्ड दूंगा, ठीक है, इस पे आपने लिखने हैं जवाब। मैं आपसे सवाल, मैं उमर भाई से सवाल पूछूंगा आपके बारे में, और आप पहले जवाब लिखेंगी और फिर उमर भाई अपना जवाब बताएंगे, एंड फिर आप हमें दिखाएंगी, तो हमने मैच करना है उसको, क्योंकि अभी बड़ा बड़ा मुश्किल काम। उमर भाई बड़ा बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं, अब हम देखें कितने बेस्ट फ्रेंड ठीक हो गए। हाँ, पता चले। हाँ, अच्छा, नूर भाभी का फेवरेट कलर कौन सा है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, वाइट आई गेस, वाइट या ब्लैक। अच्छा, ब्लैक, ठीक है, आई विल गिव यू दैट। नूर भाभी के पास किस कलर के कपड़े ज्यादा होते हैं? वैसे तो नॉर्मली काफी कलर्स होते हैं, लेकिन ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि वाइट और ब्लैक ही होते हैं। गुड, अगेन ब्लैक, ये भी सही है आपका, अभी तक सही जा रहे हैं। नूर भाभी की फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश, अगर इसका बहुत दिल करे, इसकी दो डिशें फेवरेट हैं, एक चिकन बिरयानी है और एक कड़ी और वाइट राइस। नाइस, उन्होंने बिरयानी लिखी हुई, आपका पहला आंसर बिल्कुल ठीक था, और कड़ी और वाइट राइस, ये बड़े शौक से। ओके, तो नूर भाभी को जब गुस्सा आता है कैसे जाहिर करती हैं? जैसे आप जब घर जाते हैं तो यू नो बच्चों को डांट रही होंगी, या किस तरह, क्या फॉर एग्जांपल किस तरह से गुस्सा जाहिर करती हैं? गुस्सा बस ये कह सकते हैं आप कि वो चुप हो जाती हैं, बोलती हैं क्या, मूड यानी कि टोटली ऑफ हो जाता है, और मैं पूछता हूँ क्या हुआ है, क्या हुआ, मैं 3-4 दफ़ा पूछता हूँ, तो आपने बच्चों को सर पे चढ़ाया हुआ है, आप बच्चों को थोड़ा सा समझाएं, वो मेरी बात लिसन नहीं कर रहे तो मतलब बोलती हैं, बोलती हैं, तो मैं जब वो ये इसका मूड चेंज होता है जब ये बोलती है ना, तो मैं एक साइड पकड़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ अभी जरा गुस्से में बात नहीं, से जाहिर कर देती है अपना गुस्सा, छुपाती नहीं है, छुपाती नहीं, मैं साइड पकड़ लेता हूँ। अच्छा, आपका क्या आंसर है? बोल के। ओके, ठीक हो गया। ओके, मेरा ख्याल है यहीं पे गेम एंड कर देनी चाहिए। बस 3 और सवाल है, अभी तक सही जा रहे हैं वैसे। इतना आप लोगों की कलर कोऑर्डिनेशन है, उसी तरह आप लोगों की माइंड कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। बेस्ट फ्रेंड्स मैं मान गया हूं आप लोग हैं। अच्छा, अभी 3 रहते हैं, वजन खबर करो। 7 सवाल है, 4 उन्होंने सही दे दिए तो पास हो गए वैसे वो। हां, लेकिन 3 पे भी हो सकती है, 4 पे नहीं, आखिरी 3 पे ज्यादा हो सकती है। ये डिजाइन भी इसने खुद ही किया है, इसलिए मैं पहन के आया। ठीक हो गया। अच्छा, नूर भाभी का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है? एक मिनट मुझे पहले लिखने दो, बोलो। जहां पे मैं इसे अभी तक नहीं लेके गया, मालदीव। ओह नाइस, नाइस, ठीक हो गया, 2 सवाल रहते हैं, लेकिन मैं अभी जहां मैं अभी तक इसे नहीं लेके गया मालदीव, और इंशाल्लाह ताला इसे मैंने प्रॉमिस किया बहुत जल्दी इसे मैं लेके जाऊंगा वहां पे। मुझे भी ले जाएगा। मैं 7 वाले कमरे में। मेरी भी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन मालदीव्स ही है। अच्छा, चलो सही है। नहीं, साथ में वो उसको भी लेके जाएंगे ना यार, वो क्या नाम, नवाल को, नवाल को, नवाल को, नवाल के बगैर मजा नहीं। मोटो मोटो कहती रहती है। ठीक हो गया, वो मेरी छोटी बहनों की तरह, मैं वैसे ही प्यार से उसको मोटो मोटो कहता हूं। आई नो। अच्छा, नूर भाभी को किस चीज की शॉपिंग ज्यादा पसंद है? 2 चीजों की आप कह सकते हैं जो मैंने अभी तक नोट की है। एक तो माशाल्लाह परफ्यूम्स, और कपड़ों की इसको बहुत शौक, बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, अगर मैं थर्ड ऑप्शन दूं तो इसको होता है बैग्स या ग्लासेस, दैट्स इट। हाँ,
नूर भाभी शूज बैग्स एंड वॉचेस ओके शूज भी उन्होंने कह दिए बैग्स भी कह दिए वॉचेस दिखा लेकिन ठीक है आई विल गिव यू दैट क्योंकि बैग्स आपने कह दिए काफी औरतों का शौक होता है ना शॉपिंग का तो फिर किस चीज के आप ख्याल रख सकते हैं अच्छा नॉर्मली मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मेरा तो कार्ड ही चल रहा होता है मैसेज आ जाता है कहां से हुआ इसलिए मैंने थोड़ा सा गेस किया नहीं तो अच्छा आखिरी सवाल अभी तक आपके सारे सही गए हैं नूर भाभी किस चीज की फरमाइश ज्यादा करती हैं उमर कमान प्लीज अब ये गलत ना करना प्लीज फरमाइश यही होती है कि आप तो मुझे टाइम दिया करें अपने क्रिकेट को टाइम देते हैं दोस्तों को टाइम देते हैं और थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो आप सोशल मीडिया फोन अपना स्क्रॉल करते रहते हैं वो टाइम हो तो वो थोड़ा सा मुझे दे दिया करें ओह वाओ गुड यार मतलब आपने सातों के सातों सवाल के जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं ओके गाइस बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके बट वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक आप लोग प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग समर लाउंज ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स Welcome back to Sama Lounge brought to you by Fatma Fertilizers. We are having a conversation with Umar Akmal and his wife. Let's just continue. Acha Umar bhai to jeet gaye mere khayal se aapke sath bhi ek compatibility. Yaar Umar thoda complicated hai aise nahi karo. Nahi I think main nahi kar paunga. नहीं हाँ। लेकिन हमें आपका भी जानना ना कि वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं क्या हाँ। आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं ये भी मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ ये है बात खत्म कर दो नहीं लेकिन हाँ। अच्छा मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा आप लोगों ने फौरन एक ही साथ जवाब दे ठीक है सोचे समझे बगैर ओके ठीक है उमर भाई का फेवरेट कलर ब्लैक उमर भाई की फेवरेट डिश बिरयानी और दाल चावल ओके उमर भाई गुस्से को कैसे जाहिर करते हैं चुप हो जाते हैं Is that true? सही बताना है आपने झूठ नहीं बोलना अच्छा ठीक है अच्छा उमर भाई अगर झूठ बोले या कुछ इस तरह हेरा फेरी करें तो आप कैसे पकड़ती हैं आंखों से ठीक हो गया क्योंकि मैं आंखें नहीं मिला सकता ठीक हाँ बात कहीं कर रहे होंगे देख कहीं रहे होंगे ओके अच्छा उमर भाई की एक वीकनेस कौन सी है बच्चे आपने बोला नहीं नहीं मेरी वीकनेस जाहिर सी बात है मेरी लाइफ में मेरी फैमिली तो है ही है और मेरी फैमिली के बाद अगर मेरी कोई वीकनेस है तो मेरी वाइफ है तो मैं ठीक वाइफ का नाम लेना चाह रहा था इसने पहले बच्चों का नाम ले लिया इसलिए मैं चुप कर तो आप वाइफ कहना चाह रहे थे उन्होंने बच्चा बोला मैं वीकनेस नहीं हूं ना उमर की मैं कहती हूं आप उनकी स्ट्रेंथ हैं स्ट्रेंथ नहीं बेसिकली स्ट्रेंथ तो है ही है वीकनेस मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अगर कोई मुझे अगर बोले ना कि यार तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी वाइफ नाराज हो जाएगी तो मैं इस तरह इसको लेता हूँ इस चीज को तो मैं ये अगर स्ट्रेंथ अगर यार अगर तुम ये काम करोगे तुम्हारी फैमिली तुम्हारी वाइफ को कितनी खुशी मिलेगी तो मैं इस चीज को ऐसे लेता हूँ कि यार मेरी स्ट्रेंथ कितनी खुशी बेसिकली उमर को होता है कि बनाना जरा मुश्किल हो जाता है फिर क्या टेंट्रम्स देखने मूड देखना ये वो तो इसलिए जरा कंट्रोल्ड ही रहते ज्यादा बेहतर है अच्छा